लिया आपने, जो हम पीछे बिता के आए उसका लेते हो आगे आगे बिता के? वो कह रहे दिल्ली से गाड़ी पे क्यों आए हो, कह रहे वो कंफ्यूज हो रहे कि दिल्ली की गाड़ी में आते हैं। यूट्यूब का आईडी कार्ड दिखाओ। गड्ढे तो छोड़ी दो, गड्ढे क्या नजर है। दिल्ली कहाँ की तरफ जा रहे हैं? तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम नांदेड़। तो हम रात को नांदेड़ पहुंच गए थे, तो हमने रात का स्टे नांदेड़ में ले लिया था। तो हमारे मेरे बैक साइड में देख रहे हो नांदेड़ गुरुद्वारा है, काफ़ी हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है। तो हम यहीं रात को, हमने जब ऑन द वे पढ़ा था तो हम यहीं आगे रुक गए थे। तो ये सामने जो ये रूम से सारे, तो इसी में हमने एक रूम लिया था, काफ़ी अच्छा रहा स्टे हमारा। बाकी दर्शन भी काफ़ी अच्छे हो गए, लंगर भी चख लिया। अब यहाँ से निकल रहे हम आगे दिल्ली के लिए, ठीक है। बाकी मौसम तो बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, बारिश वाला हो रहा है, ख़त्म बारिश। तो फटाफट से यहाँ से चलते हैं, हम निकलते हैं। सो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी निकलने के लिए, दिल्ली के लिए निकलने के लिए। सो अभी तक टोटल हमारी गाड़ी चल चुकी है 22,814 जो टोटल किलोमीटर है मेरी गाड़ी के, और अभी तक हमने जो कवर किया 1535 किलोमीटर कवर कर लिया रिटर्न जर्नी का, और टोटल हो गया हमारा 4916। तो टोटल गाड़ी चली है जो मेरी ट्रिप में 4916 और रिटर्न में हुई है 1535 किलोमीटर चला लिया हमने। अच्छा कवर कर लिया 1535, मतलब आधा रास्ता कवर हो चुका है, एक तरह से आधा ही बचा है। अब जो आधा है वो साफ साफ ज्यादा साफ है। आप तो पहाड़ी, मतलब सारा स्टेट हाईवे है, तो मतलब नेशनल हाईवे तो सही रहेगा, बाकी बीच में सारा स्टेट हाईवे पड़ रहा था, बहुत ही खराब था। रात को तो बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे। एक्चुअली क्या है, बिरयानी हमने खाई ना वहाँ पर रात को हैदराबाद में, उसके बाद ऐसी नींद आई पता ही चल रहा, दोनों बेहोश हो रहे। पहले मुझे खाली एक घंटे बाद मुझे नींद आने लगी, मैं सो गया, फिर सिमरन गाड़ी चला रहा था, सिमरन को नींद आई तो सिमरन ने हाईवे पर रोक दी। देन उसके बाद टोल के बाद वो मतलब कितनी देर तक हम सोते रहे गाड़ी ब्लॉक में, काफ़ी पुलिस की गाड़ी आई, उन्होंने उठाया, उन्होंने पूछा कि क्या कर रही है, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने हमसे आई डी मांगी, क्यों निकले हो, कहाँ जा रहे हो, बहुत कुछ सारे क्वेश्चन पूछे उन्होंने। देन उसको उनको समझाया, फिर ऐसी बात है ये हुआ, फिर उन्होंने हमें जाने दिया। फिर हम फिर वहाँ से दुआ निकले नांदेड़ के लिए, वहाँ से अराउंड था 80 किलोमीटर नांदेड़। तो बड़ी मुश्किल से हम सोते सवाते, मतलब उनको बोला क्या, वो कह रहे दिल्ली से गाड़ी पे क्यों आए हो, कह रहे वो कंफ्यूज हो रहे कि दिल्ली की गाड़ी में आप नांदेड़ या रामेश्वरम, मतलब हमने रामेश्वरम बताया तो समझे नहीं, तो कह रहे नांदेड़ आया दिल्ली की गाड़ी, दिल्ली से ट्रेन से क्यों नहीं आए, बस से क्यों नहीं आए, गाड़ी से क्यों आयो। मैंने कहा हमने बताया कि हम यूट्यूबर हैं, वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब का आईडी कार्ड दिखाओ, यूट्यूब का आईडी कार्ड दिखाओ, बहुत चीजें हुई, ठीक है। बाकी चलो एनीवेज अब सब ठीक है, अब यहाँ से फटाफट निकल रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए, आराम से पूरी नींद करी हमने, 2-4 घंटे आराम से सोए हम, उसके उठे, उसके नहा के फ्रेश हो गए, फिर मंदिर गुरुद्वारे दर्शन करे, अच्छे से दर्शन हो गए, लंगर चख लिया, अब यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, ठीक है दोस्तों। चलो अभी निकले हम हाईवे पे हैं, पता नहीं कौन सा हाईवे क्या है, नागपुर की तरफ जा रहे हैं, बड़ा ही खतरनाक हाईवे, एक घंटे से ऐसी धूल मिट्टी खाते हुए जा रहे हैं, और गड्ढे गड्ढे हैं, रोड है पता नहीं चल रहा, गड्ढे में रोड है, रोड में गड्ढे हैं बराबर ये दोनों। ये देखो स्पीड, देखो यही स्पीड में चलती है गाड़ी एक घंटे से, पता नहीं यार ये कौन सा हाईवे है, क्या है ये, बड़ी खराब है रोड है महाराष्ट्र की यार, सही में महाराष्ट्र की रोड बहुत ही खराब है। लास्ट टाइम जब वहाँ गया था शिरडी गया था, मालेगांव जल मालेगांव है, जलगांव है, सारे रोड ऐसी बहुत ही ज्यादा खराब। कुछ पढ़वा के करो ना, कुछ दिल्ली कहाँ है, दिल्ली कहाँ है बताया नहीं उसने। देखो कितनी मिट्टी है दोस्तों, कितनी आगे की गाड़ी नजर नहीं आ रही है, गड्ढे तो छोड़ी दो, गड्ढे क्या नजर आएंगे, बस सामने वाली गाड़ी को फॉलो, ट्रक को फॉलो करके चल रहे हैं, अंदर तक मिट्टी आ गई, मुंह के अंदर तक घुस गया, चल रहा मुंह के अंदर तक घुस गई, शीशा सब कुछ बंद है तब भी। अब ठीक है, कहाँ ठीक है, 5 मिनट के लिए ठीक है, ये अभी हो जाएगा फिर वैसे। तो अभी देखो हमने क्या क्या लिया यहाँ पे खाने के लिए, 55 प्लॉट आया हमारा, ये फुल्ले ले लिए क्या 5 रुपए के, ये वो है रेत के बुने हुए हमने इसमें ले लिए, क्या है ये दिखाता हूँ अंकल जी, ये देखो ये चना रोस्टेड चना, उसमें एक में पीनट। थैंक यू सबको बोल दो, हाय सबको हाय बोल दो,
सबको हाय बोल दो। हाय अब रोड थोड़ी ठीक हो गई है, रोड थोड़ी ठीक हो गई। और प्लस क्या चीज तूने देखी है मैप पे? क्या चीज मैप पे तूने क्या देखा अभी किलोमीटर? हाँ, मैप पे भी हमने देखा कि हमारा जो है अराइवल टाइम ये है कि 23 घंटे 56 मिनट हो गए हैं, जो पहले दिखा रहा था एक दिन दो दिन, तो 23 घंटे 56 मिनट हो गए हैं। तो ये भी तब है अगर हम लगातार चलते हैं तो अभी भी हमें दो दिन लगेंगे और पहुंचने में। तो अभी मैप दे रहे थे हम, तो मैप में हमने देख रहे और मिला क्या 24 घंटे से नीचे टाइम आ गया है और 23 घंटे 56 मिनट अब अराइवल टाइम दिखा रहा है। और देखते हैं बाकी, अभी तो कोई स्टॉप हमारा बीच में है नहीं, अब फिर हम दिल्ली जाना है तो नॉन स्टॉप ही चलते हैं। अब बीच बीच में रुक के कई हॉल्ट ले रखे। कल शाम का दिखा रहा है 5 बजे का दिखा रहा है, तो फिर अराउंड मतलब हम रात तक घर होंगे। कल का डिनर घर पे करेंगे। यहाँ भी जाम कर रहे हैं, जाम नहीं कर रहे हैं। देखो कितना गंदा सेंट हुआ है यहाँ पे दोस्तों, अभी हुआ है, पूरा हाईवे जाम बंद कर दिया। किससे हुआ ये नहीं पता, बंदा मतलब ठीक है, बस ही क्या होगा, कुछ नहीं, फिर वो निकल गया। अभी हुआ है, बाइक से बाइक मार दी, वो देखो बाइक बाइक वाला बंदा मार दिया भाई, डेड। और क्या, कहाँ पे लड़ा पड़ा हुआ है? देखो बाइक ऑटो में हो रही ना, बाइक पूरी खत्म, बाइक खत्म। वो देखो ऑटो में इतनी सी होगी बाइक, आगे से मारी नहीं, तुम फ्रंट पे मारी है ना, ड्राइवर साइड पे तो लगी है, रॉन्ग साइड आ रहा होगा गाड़ी वाला, दोनों साइड रॉन्ग साइड के दोनों सब ऐसी है। देखो ये रोलर कोस्टर की राइड कर रहे हैं, हाईवे पे नहीं चल रहे, ऑफ रोड, वो भी ऑन रोड, पिछले हाईवे रोड 20-50 किलोमीटर से पता नहीं कितना किलोमीटर आया, हमें इतना तो आइडिया नहीं कितना किलोमीटर आया, बस ये आइडिया की गड्ढे कितने थे, हजारों गड्ढे मिल गए हमें, 75 किलोमीटर लगभग हो चुका। और ये हाईवे तो मैंने कब बनेगा, कब क्या होगा तैयार, पता नहीं। लास्ट ईयर भी महाराष्ट्र में यही हाल था, इस साल भी यही हाल है, पता नहीं यार। आते वक्त हम औरंगाबाद होते हुए आए थे, वहाँ पर भी ऐसे मिला, पूरा रोड खराब, पहले बोलते थे उसी गवर्नमेंट थी, हमने काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया, बस बुरा हाल कर रखा है, बुरा हाल कर रखा है जनता का। सोचो लोकल को क्या हाल होता हुआ, लोकल को तो मजे आते होंगे, क्या मजे आ रहे हैं, गाड़ी कैसे तैसी हो रही है, गाड़ी खराब, गवर्नमेंट ड्यूटी, इनको देखो ना खुद ही हालत कैसे हो रखी है। हाँ खुद आऊँ, वहाँ से जाना पड़ेगा, बुरा ही बुरा हाल है यार, पता नहीं कब जाके हाईवे पकड़ेंगे यार, 2-3 घंटे से ऐसे चला रहे हैं गाड़ी, बस गड्ढों में कीचड़ों में, देखना कोई कहेगा ये हाईवे। अभी बाकी आगे का जो वेदर है बड़ा ही डेंजर लग रहा, देखने में लग रहा है बड़ी घनघोर बारिश होने वाली है आगे, ये देखो ऐसा लग रहा है तूफान की तरफ जा रहे हैं। हेलो, बाकी अभी यहाँ से है नागपुर अराउंड 250 किलोमीटर। बाकी रोड तो अभी देखो ये बीच बीच में डिवाइड डाइवर्जन आ रहे हैं, ज्यादा डर भी लग रहा है क्योंकि सुनसान है एकदम, प्लस ना गाय का ज्यादा डर है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी जैसे देखा होगा एक्सपोर्ट ऑन सीन, विकास भाई का भी एक्सीडेंट हुआ था बिकॉज ऑफ गाय, हाईवे पे इसी हाईवे पे आगे नागपुर के आगे रोड क्रॉस करते हुए गाय आ गई, तो काफी मेजर एक्सीडेंट हुआ उनका, बाकी वो सेफ है बिल्कुल। अब इस हाईवे पे यही सीन लग रहा है, अब ध्यान चलानी पड़ रही है गाड़ी, गाय की गाय बीच बीच में आया डॉग, और उसके साथ साथ डॉग भी है, तो कुछ बाइक वाले गाड़ी वाले रोड पे गाय घूम रही है, बैठी भी है, दिख भी नहीं रहा, तो दूसरा कुछ लोग रॉन्ग साइड भी आ रहे हैं, कल भी वो था हमने दिखाया था जैसे आपको। हाँ अभी हमने दिखाया था ना लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा कि जब
हम तमिलनाडु से कहाँ जा रहे थे? तिरुपति। आपने देखा होगा जैसे कि हम वापसी के लिए जब निकल रहे रामेश्वरम से, उसके बाद हम जा रहे थे तिरुपति के लिए, तो रास्ते में कितना मेजर एक्सीडेंट हो गया था उन लोग इंडिका वालों का, गाड़ी के गाय के वजह से ही उनको चोटी लगी थी, बाकी पूरी गाड़ी आगे से डैमेज हो गई थी। तो इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए यार, दिमाग में रखते हुए चल रहे इस रोड पे। सो दोस्तों, हम अभी MP में एंटर हो चुके हैं, महाराष्ट्र हमने क्रॉस कर दिया। नागपुर, अब नागपुर हमने बाईपास ले लिया था, सिटी में अंदर नहीं गया यार, क्योंकि वहाँ पर पर्सनली बात हो जाती है, सिटी में जाके 2-3 घंटे खराब हो जाते हैं, खाने कोई ढंग से मिलता नहीं है, फिर सब बंद होने वाले होते हैं, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि बाहर से ही चलते हैं। तो अभी हाईवे पे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट अभी ढूंढ रहे हैं, जितने चल रहे हैं कोई अच्छा सा मिल जाए तो वहाँ पर आराम से 2 घंटा स्पेंड करके थोड़ा आराम से बैठेंगे, ठीक है, अभी ये सोच रहे हैं। बाकी एंट्री हो गई है MP में, तो पहले हमने आज स्टेट कवर किए, मतलब अभी तक हम पहले तमिलनाडु, उसके बाद क्या था, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश तमिलनाडु क्रॉस किया, देन उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद फिर तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र, अब हमें MP में, MP के बाद हम जाएंगे यहाँ से UP के बाद राजस्थान का लेफ्ट में होता है, थोड़ा सा बॉर्डर चलता है, साइड में होता है राजस्थान, चलता है अपने घर चल रहे हैं ना, बॉर्डर चलता है, गाड़ी चलती है बॉर्डर वही रहता है, तुम क्या बॉर्डर ऐसे चलता है, मतलब साधु चलता है ऐसे चलता है, जैसे हम चल रहे हैं बॉर्डर ऐसे चलता है, बॉर्डर नहीं चलता, हम चलता, बॉर्डर ऐसे चलता, अरे तो बॉर्डर हम यहाँ चल रहा है तो बॉर्डर साथ में चल रहा ना, अन्ना तुम भी ना, तुम डोसा खा के ना तुम टेढ़ा हो गया, तुम डोसा तो तुम खाते थे, मेरे तो पसंद ही नहीं आता। सो MP में एंटर होते ही भाई शुरू हो गए यहाँ पर टोल का सिलसिला, 150 रुपया टोल है फर्स्ट, दिमाग खराब कर रखा है, टोल अभी 150 रुपया टोल है, सिमरन मैं ना पूछता हूँ 150 रुपए में क्या देते हैं, कुछ रिकॉर्ड कर दो, बंदा ही बिठाते, कोई नहीं, बंदा ही नहीं है, बंदा हटा दिया, तो बंदा ही नहीं है, खाली है, देखो ये प्राइस देखो क्या है, सिंगल पेनल्टी सिंगल फास्ट है 150 रुपए, 150 रुपए एंट्री है, उसमें पूछते ये बैठे भाई साहब 150 रुपए का टोल है ये, बड़ा महंगा भाई साहब, 150 टोल, मतलब आगे का लेते हो पीछे का लेते हो? नहीं ये वाला कहूंगा आगे में बाकी जाऊंगी, नहीं नहीं अभी टोल जो 150 रुपए लिया आपने, जो हम पीछे बिता के आए उसका लेते हो, आगे आगे बिताएंगे उसका लेते हो सफर? नहीं समझे, हिंदी समझते हो ना, अभी जो टोल लिया आपने ये किस चीज का लिया आपने? गाड़ी का लिया, रोड का टोल नहीं होता, रोड का नहीं होता टोल, गाड़ी का लिया, गाड़ी का लिया, चलो सो ठीक है, समझ। सो दोस्तों, आज के डिनर में हमारे प्लेन दाल मंगाई, एकदम जीरा दाल, साथ में चपाती सैलेड, तो बड़े दिनों के बाद दाल तड़का और रोटी खाने को मिल रही है ना, कितने दिन हो गए रोटी नहीं खाई थी, परोठा खा रहे थे, परोठा और वो डोसा फ्राइड राइस, तो भी अच्छा लग रहा खाने में, लाउड खाते थोड़ा ही रेस्ट करेंगे। I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I